हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप uh, मैं काफ़ी दिनों बाद uh, वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका रीज़न है कि हमारे एक व्यूअर है नितिन शुक्ला जी उन्होंने मुझे क्वेरी सेंड की है सो so, यही उनकी क्वेरी है कि वेन आई टाइप एनी कैरेक्टर फ्रॉम फॉलोइंग टेबल रेंजेस फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ uh, ऐसा कुछ डेटा सेट है उनके पास तो उनको लुकअप करना है अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी टाइप किया है तो पी किस हेडर के अंडर है जी के एस के तो बेसिकली उनका कहना है कि देन हेडर में भी पॉपुलेटेड सो यहाँ पे जो हैडर है वो अगर इसके अंडरलाइन कुछ है इस हेडर के और वो यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो हेडर वहाँ पे आना चाहिए ठीक है सो so, उनका कहना है कि वी लुकअप और इफ फंक्शंस उनको आता है बट वो चाहते हैं कि मैं अलग अप्रोच से ये सॉल्व करूं, ठीक है सो so, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हेडर दिया है यूजिंग इंडेक्स चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है बट उसके लिए हमें इफ का यूज करना ही होगा बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर आएगा उसके अंदर इसके लिए राइट right? स्टार्ट करते हैं इफ़ के साथ इफ दिस एंटायर रेंज मतलब ये एंटायर रेंज मैंने सेलेक्ट की उसको मैं लॉक कर रहा हूँ एफ फोर की हिट करके इक्वल्स टू ये जो भी इस सेल में वैल्यू है और उसका मैं सिर्फ कॉलम लॉक करता हूँ अगर आपको ये लॉक वगैरह क्या है ये पता नहीं तो इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है आप देख सकते हो सेल रेफरेंस जिसे बोलते हैं और अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और F9 की हिट करता हूँ तो आपको एक सेट मिलेगा ट्रूज एंड फॉल्स का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आया है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसका मतलब कि पूरे रेंज में वहाँ पे किधर तो अपनी वैल्यू मैच हो गई है राइट तो इसे मैं अभी ये ट्रूज एंड फॉल्स है तो इसको मुझे वनज एंड जीरोज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा डबल निगेटिव दूंगा और उसे ब्रैकेट में रैप करूँगा जस्ट लाइक दिस तो आप यहाँ पे देखोगे वन मतलब ट्रू बाकी सारे फॉल्स है सो so इसका मतलब क्या है मुझे एक कंडीशन देनी है कि वो एंटायर लॉजिकल टेस्ट देनी है अगर इस एंटायर रेंज में इक्वल्स टू वन है देन मुझे क्या चाहिए कॉलम तो कॉलम में अभी ये कितने चार कॉलम है तो मैं जस्ट चार कॉलम सिलेक्ट करूंगा मेक श्योर sure कि ए से ए कॉलम से आपको स्टार्ट करना है ताकि हमें वन टू थ्री फोर कॉलम मिले इसके लिए सो so, अगर मैं सिर्फ ये कॉलम वाला पार्ट सिलेक्ट करके अगर मैं एफ नाइन करता हूँ तो वन टू थ्री फोर आया अगर मैं यहाँ से करता तो थ्री फोर फाइव ऐसा कुछ आता बट मुझे चाहिए था वन टू थ्री फोर इसलिए मैंने ये अप्रोच किया ठीक है so, सो इसका मैं कॉलम लॉक करता हूँ बिकॉज अगर फार्मूला अगर किसी ने गलती राइट साइड ड्रैग कर दिया तो वो टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा वो हमें नहीं चाहिए ठीक है so, सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा ठीक है और अगर आप मैं आ, इसे मैं F9 करूंगा करूँगा तो यहाँ पे देखो वन आ रहा है ठीक है तो मैं स्मॉल फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो क्या आया वन ये वन क्या है ये कॉलम रिटर्न कर रहा है हमें कौन से नंबर के कॉलम में है अभी ये बस अभी हमें क्या करना है इंडेक्स इंडेक्स लेना है एंड ये वाली जो रेंज है सॉरी ये वाली इसे लॉक करना है कॉमा और ये हमारा कॉलम नंबर हो गया ठीक है इसे मैं एंटर करता हूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू एरे रहा है बिकॉज ये हमारा एरे फॉर्मूला है तो उसके लिए स्पेशल की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो जीके आएगा ठीक है सो so, अब गियर मैं इसे नीचे फील्ड डाउन करता हूँ तो एच एस आ गया देखिए यहाँ पे उन्होंने हार्ड कोड वैल्यूज दी है हमें कि ये उनका डिजायर्ड रिजल्ट राइट और मैं सिमिलरली फिर इसे कंप्लीटली ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया बट आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट और इनमें करली ब्रैकेट्स आ गए इसका मतलब ये एरे फॉर्मूला है ठीक है और यहाँ पे मैं कुछ चेंज करके देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पी जी सी में की कोई वैल्यू ले लेता ले हूँ यहाँ पे ई टाइप करता हूँ सो पी जी सी में कन्वर्ट हो गया वो सो so हमने देखा इंडेक्स का यूज करके अभी हम देखेंगे नेस्टेड इफ का यूज करके कैसे करना है इसके लिए हम दो फंक्शन यूज करेंगे एक है मैक्स और एक है इफ राइट सो पहले हम मैक्स uh, के लिए दिस इज इक्वल टू ये जो रेंज है हमने पहले पूरी रेंज सिलेक्ट की थी इस फॉर्मूला के लिए अभी हम सिर्फ ये कॉलम की जितने भी रेंज है टेबल की वही कर रहे है इसे मैं लॉक करता हूं सिमिलरली इसे मैं वनज एंड जीरो में कन्वर्ट करने के लिए डबल नेगेटिव दे रहा हूं अगेन मैक्स ठीक है तो मैक्स हमें क्या देगा वन इज इक्वल टू वन है इफ ये अगर इज इक्वल टू वन है तो हमें चाहिए ये कॉलम हेडर ठीक है इसे मैं करता हूँ कॉपी कॉमा पेस्ट कॉमा पेस्ट ठीक है सो यहाँ पे मेरा होगा डी जो कि नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे भी डी आएगा देन ई एंड यहाँ पे कॉमा सिंपली मैं क्या कर रहा हूं एफ ये इफ क्लोज सेकेंड थर्ड क्लोज अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूं ना तो यहाँ पे गलत आंसर आएगा बिकॉज ये एरे फॉर्मूला है इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये आपको याद रखना है राइट एग्जैक्ट सेम आंसर सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ई e टाइप करता हूं तो पीजीसी आ गया राइट बिकॉज ई यहां पर है पीजीसी के ऑल राइट right, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ बाय बाय